स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं, आज हम आपके लिए आए हैं बहुत ही अनोखा वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं विंडो मूवी मेकर की हेल्प से। ये एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको विंडो मूवी मेकर की साइट से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 2016 वर्ज़न है विंडोज़ मूवी मेकर का। इससे हम अपने नए नए तरीकों के वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, नए तरीकों से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर साउंड लगा सकते हैं, वीडियोस के साथ ऐड कर सकते हैं साउंड्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विंडोज़ मूवी मेकर 2016 का वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, देन उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जिसमें भी आप करना चाहते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको उसका एक आइकॉन दिखाई देगा जो कि डेस्कटॉप पर सेट हो जाता है, यहाँ से उस आइकॉन को क्लिक कीजिए। आइकॉन इस टाइप का देगा, आपको दिखाई देगा विंडोज़ मूवी मेकर, डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए विंडोज़ मूवी मेकर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, फाइल टैब, होम टैब, एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोजेक्ट व्यू, सो मैनी टैब्स आर देयर। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इसकी तरह इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं। एक मूवी को क्रिएट करने के लिए हमको पता है कि एक तो आपको एक वीडियो की ज़रूरत होगा, और हाँ साथ में एक आपको अगर आप उस वीडियो पर म्यूजिक भी लगाना चाहते हैं तो एक म्यूजिक फाइल की भी आपको ज़रूरत होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं आप देख सकते हैं मेरी लोकेशन पर, मैंने ओपन किए हुए हैं। ये देखिए मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, अब ये वीडियोस मैं अपने सॉफ्टवेयर में एक्सेस करूँगा और एक मूवी आपको बना करके दिखाऊँगा। यहाँ से होम टैब में आपको जाना है, सबसे पहले होम टैब में एक उसका सब टैब है ऐड वीडियो एंड फोटोज, ऐड वीडियोज एंड फोटोज पे क्लिक कीजिएगा, देन सेलेक्ट अ वीडियो विच यू वांट टू क्रिएट, एक वीडियो को सेलेक्ट कीजिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन किया। ओके फ्रेंड्स ये वीडियो सेलेक्ट हो चुका है, अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइड में। ये देखिए आपको उस वीडियो का प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विंडो मूवी मेकर ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया, अगर आपने वीडियो को कट भी करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं, एंडिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इस वीडियोस को यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहते हैं इस जगह, तो राइट क्लिक कीजिए, सबसे पहले अपना ये पॉइंटर जो है, जो पॉइंटर ये लंबी सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ये सेट कर लीजिए जहाँ तक आपको अपनी वीडियो का एंड पॉइंट रखना है। ये सेट होने के बाद अब मेरे को ये वीडियो सिर्फ यहीं तक चलाना है, तो राइट क्लिक करूँगा और सेट एंड पॉइंट कर दूँगा। अब ये वीडियो यहाँ पर सेट हो चुकी है, ओके फ्रेंड्स रन कीजिए। देखिए यहां पर ये सेट हो चुका है। ओके अगर आप चाहते हैं इसका स्टार्ट पॉइंट भी ऐड करें तो आप स्टार्ट पॉइंट भी यहां से ऐड कर सकते हैं। सपोज करें आपको वीडियो यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है तो फिर से अपना इस लाइन को सेट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड सेट स्टार्ट पॉइंट कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं आप वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा।
अब आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मोर देन वन वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो फिर से एक वीडियो को एडिट ऐड कीजिए। ऐड कर लेते हैं हम यहाँ से एक वीडियो, यहाँ से हमने ऐड किया। फ्रेंड देखिए ये वीडियो ऐड हो चुका है। ये देखिए वीडियो ऐड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को भी इसका एंड पॉइंट सेट करना चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ, तो फिर से इस लाइन को सेट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और सेट एंड पॉइंट। ये वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है, देख सकते हैं। बहुत आसान है इसको करना, बहुत इजीली तरीके से हो जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और बताता हूँ। अगर आप इसमें अपना एक म्यूजिक भी ऐड करना चाहते हैं नीचे, तो कहीं भी एक म्यूजिक ऐड कर लीजिए। सपोज़ कर आप स्टार्टिंग पॉइंट म्यूजिक का यहाँ रखना चाहते हैं, तो अपने उस लाइन को यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर लेकर के आएंगे लाइन कर्सर को, फिर जाएंगे आप ऐड टैब में और यहाँ से ऐड म्यूजिक क्लिक कीजिएगा। ऐड म्यूजिक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक अपना एक म्यूजिक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूजिक को सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। सपोज करें मैंने ये म्यूजिक सेट किया एक्स वाई जेड, यहाँ एक म्यूजिक है मेरे पास, ओपन किया, ये म्यूजिक पूरी वीडियो में लग गया है। इस पूरी जो आपकी क्रिएटेड वीडियो है इसमें पूरा यहाँ पर ऐड हो गया है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, सपोज करें आप चाहते हैं इस म्यूजिक को सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना है कि म्यूजिक जो है सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो। ओके, देन आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है म्यूजिक के ऊपर एंड देन सेट स्टार्ट पॉइंट। और आप म्यूजिक को सेट कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये देखिए यहाँ से आपका म्यूजिक सेट हो चुका है। ऐसे ही आप इसका एंड पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं म्यूजिक यहाँ से स्टार्ट हो तो म्यूजिक यहाँ से स्टार्ट होगा, म्यूजिक यहाँ पर एंड हो तो म्यूजिक का भी, ये म्यूजिक यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपना एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ मोर देन वन म्यूजिक और मोर देन वन वीडियो आप लगा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनके तैयार हो चुका है। अब इस वीडियो को हम पहले एक बार चला करके देख लेते हैं। देखिए हमारा वीडियो चल रहा है। अब बात आती है इस प्रोजेक्ट को सेव करने की, तो इसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ही एक सेव मूवी का ऑप्शन आ रखा है। सेव मूवी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। देन जो जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है वो लोकेशन दीजिए। सपोज़ मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप लोकेशन दिया। डेस्कटॉप लोकेशन देने के बाद अब मैं चाहता हूँ अपनी मूवी का नाम कुछ भी रखना, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिए मेरी मूवी जो मैंने क्रिएट की थी वो सेव होनी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है, मेरी मूवी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से मूवी क्रिएट होने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं उस फोल्डर को जहाँ पर आपकी मूवी सेव हुई है, चाहे तो आपने जो लोकेशन दी है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल जो मैंने लोकेशन दी है मैं वहाँ जाकर ही देखूँगा, इसको क्लोज कर देते हूँ। देन अपने लोकेशन पर जाता हूँ, डेस्कटॉप चेक किया था मैंने। ओके, डेस्कटॉप पर ये मूवी आ चुकी है एक्स वाई जेड, अब मैं इसको रन करके देख सकता हूँ। ये देखिए क्या फ्रेंड्स, मैंने यही मूवी क्रिएट किया था ना। इसी तरीके से आप नए नए मूवीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा मूवी क्रिएट हो चुका है।